हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवल। यह सोललैंड नोवल की समरी पर बेस्ड पार्ट 56 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। राक्षसा गॉड और एंजल गॉड दोनों ने ही तांगसन को देखा तो वे खुद को उसे घूरने से नहीं रोक सके। बीबीडोंग भी कांप जाती है। शुरू में बीबीडोंग को विश्वास नहीं हो रहा होता है। क्यान रेनुक्स कहती है, मुझे पता था वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता है, और तांगसन को जिंदा देखकर कुछ राहत महसूस की होती है। ऐसा ही हुइलियाना के साथ हुआ, वह कांप गई होती है। तांगसन ने भी हल्के से मुस्कुराया। वह भूल ही गया होता है 3 दिन पहले किस तरह से बीबीडोंग ने तांगसन को मार डाला था। बीबीडोंग सोचती है, क्या हुआ यदि तांगसन जिंदा हो गया है? यदि एक बार मारा जा सकता है तो फिर से दोबारा मारा जाएगा। तांगसन भी कहता है, भले ही मैं तुम्हें मार ना सकूं, लेकिन इस दुनिया से दूर जरूर खींच सकता हूँ। इस पर बीबीडोंग कहती है, कोई ना, मैं तुम्हें आज राक्षसा गॉड की असली पावर दिखाती हूँ। इसी के साथ बीबीडोंग की भयानक पर्पल एनर्जी फैल जाती है, जिससे सूरज भी छिप सा जाता है। क्यान रेनुक्स कहती है, पिछले बार उसने खत्म किया था, इस बार मैं तुम्हें मारूंगी। तांगसन भी दो गॉड के साथ एक साथ फाइट करने के कारण प्रेशर में था। इसी के साथ तांगसन से भी ब्लू लाइट फूट पड़ती है। सी गॉड रेमेंट भी दिखाई दिए, जो गोल्डन कलर के दिखाई दे रहे होते हैं। इसे गोल्डन कलर में बदलने के लिए अब ट्राइडेंट की जरूरत नहीं होती है। राक्षसा डेविल साइथ और सेक्रेड एंजल स्वॉर्ड ने एक साथ तांगसन की ओर इशारा किया। तभी तांगसन ने भी ट्राइडेंट को धीरे से सिर से ऊपर उठाया। इसी के साथ चारों ओर डिवाइन सेंस फैला दिया होता है, जो कि बाउंडलेस ओशियन की तरह फैल गया। तांगसन को लगा इसका उन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें भी तांगसन के बारे में ऐसा ही लगता है। और बीबीडोंग सोचती है, तांगसन पहले से ज़्यादा पावरफुल है, और तांगसन का लेवल इन दोनों के ही ऊपर हो गया होता है। यह सब बीबीडोंग समझती है। तांगसन के 8 विंग्स दोनों तरफ के 4 विंग्स बदलते हुए 2 विंग्स में बदल जाते हैं, जो किसी तरह से खुद में ही फ्यूज हो जाते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तांगसन के पीछे सब कुछ छिपा देते हैं। इसी समय वह दोनों ही विंग से टकराते हैं आसमान में। जो राक्षसा गॉड की डिवाइन एनर्जी के कारण डार्क पर्पल रंग में रंगा हुआ था, वह तुरंत ही ब्लू हो जाता है। ऐसा लगा उस ब्लू कलर ने पूरी ही दुनिया को कवर कर लिया है। यह ब्लू लाइट ओशियन की एनर्जी है, जिसे तांगसन ने ट्राइडेंट से बुलाया है। इससे तांगसन ने सूरज को भी छिपा दिया होता है। बीबीडोंग ने अटैक की शुरुआत कर दी होती है, तुरंत ही पर्पल शैडो बनाई होती है, जो आगे बढ़कर तांगसन पर अटैक कर देती है। देखने में ऐसा लगा वह तांगसन को निगल जाएगी। क्यान रेनुक्स भी अपनी स्वॉर्ड के साथ यूनाइट होती है और एक काफ़ी बड़ी स्वॉर्ड में बदलते हुए तांगसन पर शूट करती है। अब तक क्यान रेनुक्स भी अपनी एंजल पावर को काफ़ी अच्छे से समझ गई होती है। इतने अटैकों को देखने के बाद भी तांगसन शांत होता है, और इसी के साथ तांगसन ट्राइडेंट को हाथ से हिलाता है, गोल्डन लाइट के रिंग को क्यान रेनुक्स की तरफ भेजता है, और साथ ही 2 फिगर में बदल जाता है, और क्यान रेनुक्स की चिंता किए बगैर बीबीडोंग की ओर चला जाता है। क्यान रेनुक्स भी तांगसन के अनफिक्स स्ट्रॉम में फंस जाती है और मूव भी नहीं कर सकती। वैसे क्यान रेनुक्स ट्रू सन एनर्जी से अटैक कर सकती थी, लेकिन तांगसन ने सूरज को ही छिपा दिया है। भले ही अनफिक्स स्ट्रॉम क्यान रेनुक्स को 8 सेकेंड तक ना रोक सके, लेकिन वह एक सांस तक का समय जरूर देगा। ट्राइडेंट से बीबीडोंग का वेपन टकराता है, और उसी तरह से तांगसन और बीबीडोंग की शैडो एक दूसरे से मिलती हैं। आवाज के गूंजने के साथ गोल्डन और डार्क पर्पल लाइट एक साथ निकलती हुई दिखाई देती है। तांगसन और बीबीडोंग के दोनों शैडो एक में बदल गए होते हैं। एक उनकी बॉडी होती है, जबकि दूसरा फिगर उनकी गॉड लेवल सोल से कंडेंस किया हुआ था। केवल ट्विन स्प्रिट होल्डर ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। पहले ट्राइडेंट ने बीबीडोंग के साइथ को लॉक कर दिया होता है, लेकिन अगले ही पल स्थिति पलट गई। लाइट की 2 गोल्डन रे आसमान की ओर जाती हैं। तभी ऐसा लगा गोल्डन ट्राइडेंट वास्तव में फ्री और ऊपर हवा में 2 ड्रैगन के जैसे उड़ रहा होता है। डार्क पर्पल साइथ एक बार फिर से तांगसन की चेस्ट पर गिर जाता है, लेकिन तांगसन मूव होते हुए अपने क्लोन की हेल्प से इस बार इस अटैक को डॉज कर लेता है। इसके तुरंत बाद बीबीडोंग ने तांगसन की बेस्ट की ओर अटैक किया। बीबीडोंग अपने दूसरे हाथ से उस गोल्डन लाइट को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, जबकि साइथ लगातार अटैक कर रहा होता है। तभी क्यान रेनुक्स चिल्लाते हुए बीबीडोंग से कहती है,
केयरफुल रहो, उसे मत पकड़ो। बीबी डोंग के फिगर के उठे हुए हाथ के दूसरे सोल फॉर्म में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और इसी के साथ वह गोल्डन लाइट माथे पर लगी और तुरंत ही गायब हो जाती है। उससे बीबी डोंग का सिर तुरंत ही गोल्डन हो जाता है और अगले ही पल में जोर से फटते हुए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जबकि क्यान रेनुक्सन ने बीबी डोंग की ओरिजिनल बॉडी को पकड़ लिया था जो बिना किसी चोट के बाहर निकल आती है। इसी के साथ यह लगभग 1 किलोमीटर पीछे हट जाते हैं। बीबी डोंग को विश्वास नहीं था वह अभी मरते हुए बची है। यदि क्यान रेनुक्स जरा ही लेट होती वह अटैक बीबी डोंग की ओरिजिनल बॉडी झेलती न कि क्लोन। वह क्लोन दोनों ही तांसन से मर्ज होने के साथ गोल्डन लाइट फ्लैश होती है। सी गॉड रेमेंट बेस्ट आर्मर में एक क्रैक दिखाई दे रहा होता है जो बीबी डोंग के वेपन के कारण आया होता है। वह उड़ती हुई गोल्डन रे और कुछ नहीं गुआनिन टियर था। क्यान रेनुक्स उन्हें चख चुकी थी इसलिए वह तुरंत ही समझ जाती है यदि क्यान रेनुक्स तांसन पर अटैक करती तो बीबी डोंग मारी जाती। लेकिन तांसन का प्लान कुछ बिगड़ जाता है। तांसन ने इन दो गुआनिन टियर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डिवाइन पावर का यूज़ किया हुआ था। लेफ्ट हैंड ट्राइडेंट से अपनी बेस्ट के राइट साइड को ट्राइडेंट से स्वीप करता है जिससे राक्षसा गॉड की डिवाइन पावर को ख़त्म कर सके। यह वही जगह होती है जहां पर बीबी डोंग ने अपने साइथ से तांसन पर अटैक किया है। इसी के साथ बैक पर जाइंट विंग्स खुल जाते हैं। हवा में फैली ब्लू लाइट के एक हिस्से को तुरंत ही एब्जॉर्ब करता है। बीबी डोंग भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे माँ ना मानने वाली बेटी ने आज उसे बचाया होता है। दोनों ने एक साथ अपने डिवाइन सेंस को रिलीज कर दिया होता है। तांसन भी चारों ओर से बीबी डोंग की डार्क पर्पल एनर्जी की काउंटलेस स्ट्रीम को देख सकता है। वह अपनी पावर को हासिल कर रही होती है जो कि एक नेगेटिव सेंस से आ रही होती है। यह वही नेगेटिव सेंस होते हैं जो जियलिंग पास में डुगोवो के पॉइजन से बुरी तरह से मारे गए होते हैं जो विश्वास की पावर से कहीं ज्यादा होती है। तांसन बीबी डोंग को ठीक होता हुआ देख रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता है। राक्षसा गॉड की बैग से 8 सिकल्स बाहर आते हैं और हाथ में पकड़े हुए साइथ में मर्ज हो जाते हैं। बीबी डोंग लगातार तांसन पर नजरें गड़ाए हुए थी। इसी समय बीबी डोंग के हाथों से वह साइथ अचानक आसमान की ओर उड़ गया। डार्क पर्पल कलर की लाइट तुरंत ही भड़क उठी जिससे तांसन का ब्लू लाइट का बैरियर हवा में बना हुआ था वह भी कांपने लगता है। राक्षसा गॉड की डिवाइन पावर कई गॉड पर अपना प्रेशर बनाकर रख सकती है साथ ही यह एंजल गॉड से कहीं ज्यादा भयानक है। तांसन ने यह देखते हुए गहरी सांस लेता है। उसकी बैक पर जाइंट विंग्स फैलते हैं। वह ब्लू लाइट मिल्की वे की तरह नीचे गिरते हुए तांसन की बैक से तांसन में आ जाती है। छिपा हुआ सूरज भी तुरंत ही दिखाई देने लगता है। बीबी डोंग ने अपने टारगेट तक पहुंचने के बाद तुरंत ही पावर को वापस खींच लिया। सनलाइट बीबी डोंग के लिए भी अच्छी नहीं थी लेकिन इसी समय क्यान रेनुक्स ने अपने एंजेलिक स्वॉर्ड को ऊपर उठाते हुए ट्रू सनफायर को एब्जॉर्ब करने लगी। ट्रू सनफायर से एंजेलिक रेमेंट फिर से रेड हो जाती हैं। तांसन ने ट्राइडेंट जोर से पकड़ लिया। तांसन के दिल में निराशा भर गई। तांसन की उम्मीद कम हो जाती है। बीबी डोंग और क्यान रेनुक्स का एक दूसरे को सपोर्ट न करना केवल एकमात्र तांसन के लिए सुखद एहसास था लेकिन अब वह भी नहीं है इसलिए तांसन का इनसे मुकाबला करना काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है। यह दोनों ही अपनी डिवाइन पावर को एक साथ यूज कर रही होती हैं जिससे तांसन कम बैक ना कर सके। तांसन विंग्स से फिर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ट्राइडेंट के ऊपर से एक के बाद एक सर्कल बनते हुए निकलने लगते हैं और तांसन के अंदर से गोल्डन लाइट बहने लगती है लेकिन फिर भी तांसन इस डिवाइन पावर को लगातार नहीं रख पा रहा होता है और प्रेशर के कारण धीरे धीरे पीछे हट रहा होता है। जेलिंग पास के लोग हैरान होते हैं। उन्हें लग रहा होता है 3 दिन पहले वाली घटनाएं फिर से होने वाली हैं। सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं लेकिन साउबू दीवार पर शांत होती है जैसे कि साउबू को इन सब का पहले से ही एहसास हो गया होता है और एक पिंक सॉसेज निकालकर खा लिया होता है। बैक पर बिंग्स दिखाई दिए। यह ऑस्कर का स्विफ्ट विंड मशरूम सॉसेज होता है। तांसन चिल्लाने के साथ सी गॉड ट्राइडेंट से पैटर्न बनाता है जिससे भयानक सी गॉड पावर प्रेशर का सामना करते हुए इरप्ट होती है। इसी बीच तांसन हवा में रुक जाता है। तांसन और पीछे नहीं हट सकता था नहीं तो इससे जियलिंग पास के लोग भी इफेक्टेड होंगे। तांसन भी यही सोचता है बेटर ब्रोकन जेड देन इंटेक्ट टाइल। इसी के साथ तांसन की सी गॉड पावर वर्स्ट होती है। एक जाइंट गोल्डन फ्लेम में बदल गई
उसके चारों ओर चक्कर लगाती हुई ऊपर उठती है। इसी के साथ ट्राइडेंट को लेफ्ट हैंड से मूव करते हुए लेफ्ट हैंड के सी गॉड रेमेंट लाइट के साथ फ्लैश होते हैं और इसी के साथ राइट हैंड उठाया हथेली में गोल्डन रे की लाइट स्टोर हो रही होती है और तांसन किसी एरो की तरह सूट होता है। तीनों ही गॉड आपस में भिड़ गए होते हैं। क्यान रेनुक्स भी ट्रू सनफायर से तांसन पर विस्फोट के साथ अटैक करती है। इसी के साथ बीबीडोंग का जाइंट साइथ भी फ्लैश होने लगता है। इसमें नेगेटिव एनर्जी के साथ फ्लैम दिखाई देती है जो कि ग्रीन कलर की फ्लैम होती है, जिसका सामना करने के लिए तांसन ने लेफ्ट हैंड से ट्राइडेंट को पूरी ही पावर के साथ घुमाया जबकि दूसरे हाथ से क्यान रेनुक्स पर गोल्डन लाइट के स्पैक को लॉन्च किया। क्यान रेनुक्स उसे ग्वानिन टियर समझते हुए उछल पड़ती है जिसे कुछ ही समय में क्यान रेनुक्स ट्रू सनफायर से रोकती है। क्यान रेनुक्स को तांसन ने ग्वानिन टियर के नाम से फिर से उल्लू बनाया होता है। ट्राइडेंट और साइथ की टक्कर होती है। गोल्डन फ्लैम और ग्रीन फ्लैम लाइट के स्पेक्ट में बदलते हुए चारों ओर सूट होती है। तांसन ने लेफ्ट हैंड में पूरी ही तरह से डिवाइन एनर्जी के साथ ग्रेविटी कंट्रोल का यूज किया होता है जिससे ट्राइडेंट का वजन मिलियन जिन हो जाता है। क्यान रेनुक्स ने तांसन की चाल को समझते ही फिर से अटैक किया। तांसन ने साइथ से निपटते हुए ट्राइडेंट की नोक से बीबीडोंग के चेस्ट के आर्मर की ओर इशारा करता है। इसी के साथ तांसन के राइट आर्म से एक जाइंट गोल्डन ड्रैगन निकलता है। गोल्डन ड्रैगन ने क्यान रेनुक्स के ट्रू सनफायर को कुचल कर रख दिया लेकिन क्यान रेनुक्स रुकती नहीं है। वह फिर से तांसन के बेस्ट पर अटैक करती है जहां बीबीडोंग ने पहले अटैक किया था। तांसन को कोड़े मारने का एहसास हुआ जबकि ट्राइडेंट के साथ बीबीडोंग का साइथ टकराया होता है और इसी तरह से इनका तांसन पर अटैक होता रहता है। बीबीडोंग साइथ की हेल्प से एक डार्क पर्पल एनर्जी बॉल से तांसन पर अटैक करती है जो हिट होता है। तांसन इन दो गॉड के सामने हर हालात में कमजोर पड़ रहा होता है। भले ही वह सी गॉड हर एक से ज्यादा पावरफुल है लेकिन जब दो हो तो कमजोर पड़ना लाजमी है। तांसन को दूर फेंक दिया गया लेकिन मिलियन जिन भारी ट्राइडेंट को बीबीडोंग ने डॉज किया। फिर भी हालत इतनी अच्छी नहीं होती है और बार बार डार्क पर्पल कलर के ब्लड की वॉमिट करती है। तांसन बीच हवा में गिर पड़ता है। तांसन की बॉडी से लगातार पर्पल लाइट फ्लैश हो रही होती है। निगेटिव सेंस ने तांसन की डिवाइन सेंस पर अटैक किया जिससे निपटने के लिए तांसन को अपनी पूरी ही डिवाइन पावर को लगाना पड़ा। अब तांसन की फाइट एबिलिटी सबसे नीचे होती है। बीबीडोंग को कमजोर होता देख अब क्यान रेनुक्स तांसन पर अटैक करने के लिए आई होती है। स्वॉर्ड को पकड़ती है। क्यान रेनुक्स के पीछे गोल्डन शैडो की सीरीज दिखाई दी। तांसन की अभी की स्थिति में तांसन इसे डॉज नहीं कर सकता है। तांसन को बस इतने से ही खुश होना पड़ेगा कि वह बीबीडोंग को घायल कर सका। अब तांसन फिर से मरेगा। तभी तांसन के साइड में कहीं से पिंकिश लाइट की एक रे दिखाई दी। उसने क्यान रेनुक्स को ब्लॉक नहीं किया बल्कि सीधे ही जाकर तांसन को कसकर गले लगाने के लिए अपनी बाहें खोल दी। भले ही राक्षसा गॉड का सेंस फ्लैश हो रहा होता है लेकिन साओबू ने उसे भी पीछे कर दिया। तांसन मरने वाला होता है और साओबू ने बिना खुद की चिंता किए बगैर तांसन के पास आ जाती है और साओबू ने तांसन को कसकर गले से लगा लिया। यह देखकर क्यान रेनुक्स को भी समझ आ जाता है आखिरकार क्यों तांसन क्यान रेनुक्स को हमेशा से नीचा दिखाता रहा है। इससे क्यान रेनुक्स जलन से और भी जलने लगती है और एक चीख के साथ ट्रू सनफायर के स्वॉर्ड को और अधिक तेज कर दिया और सीधे ही साओबू की बैक पर स्टैब किया। साओबू तो इसके लिए पहले ही तैयार होती है। जब बीबीडोंग ने अटैक किया था साओबू के पास इतनी पावर ही नहीं है जिससे वह बीबीडोंग या क्यान रेनुक्स के अटैक को ब्लॉक कर सके। इसीलिए साओबू ने कोशिश भी नहीं की और तांसन को इस तरह से कसकर गले लगाया मानो वह कह रही हो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तांसन ने ट्राइडेंट को भी छोड़ दिया और साओबू को गले लगा लिया। तांसन भी इस जगह कुछ नहीं कर सकता है। तांसन जो भी कर सकता था वह पहले ही कर चुका है। अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। कम से कम ऐसा करने से यह कभी अलग नहीं होंगे। इस समय तांसन और साओबू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। होली एंजल स्वॉर्ड आ रही होती है जो उन्हें जला देगी लेकिन साओबू और तांसन के दिल में एक ही थॉट होता है। हम एक ही साल महीने और दिन में पैदा नहीं हो सकते हैं लेकिन हम एक साथ मरने की उम्मीद कर सकते हैं।
स्वार्ड ने साओबू पर बिल्कुल निशाना लगाकर स्टैब किया। गॉड लेवल के अटैक को आखिर साओबू कैसे झेल सकती है? टांगसन भी डिफेंस लेस होता है, वह भी इस अटैक को नहीं झेल सकता। क्यान रेनुक्स का यह अटैक दोनों को ही मिटा देगा। यह सब क्यान रेनुक्स के दिमाग में चल रहा होता है। विलियाना भी नीचे जमीन पर घुटने टेकते हुए रो रही होती है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। जिस पल होली स्वार्ड ने साओबू की बैक पर अटैक किया, तभी अचानक साओबू से भयानक रेड लाइट की एक लेयर फट गई और किसी तरह से सन फ्लेम को दूर कर दिया। क्यान रेनुक्स ने चौंकते हुए तुरंत ही रिस्पॉन्स देते हुए अपनी सारी डिवाइन पावर को एंजेलिक स्वार्ड में डाल दिया, लेकिन अब तक वह दिखाई देने वाली रेड लाइट ने एक जाइंट रेड वॉर्टेक्स में बनते हुए टांगसन और साओबू दोनों को ही निगल लिया होता है। उस टेरिफाइंग रेड लाइट ने क्यान रेनुक्स की ट्रू सनफायर को भी तुरंत ही चकनाचूर कर दिया। राक्षस गॉड की भयानक पावर भी धुएं में बदल गई, जैसे कि किसी ने उसे प्योरीफाई कर दिया हो। और यहाँ टांगसन और साओबू एक दूसरे को सदमे में देख रहे होते हैं। वह तो मरने का इंतजार कर रहे थे, अब क्या हो गया है? टांगसन ने महसूस किया अब उसकी बाहों में साओबू नहीं बल्कि भयानक गर्म अंगारे का टुकड़ा है, जो कि क्यान रेनुक्स की ट्रू सनफायर से भी ज्यादा गर्म होती है। और वहीं साओबू को अंदर लगा आइसी कोल्ड एनर्जी फट गई हो। टेरिफाइंग विस्फोट एक पल में बॉडी के हर इंच तक फैल गया, जिससे वह मूव नहीं कर पा रही होती है। साओबू की बॉडी एक ही पल में रेड हो जाती है, उसके कपड़े भी एक ही पल में खत्म हो जाते हैं। पूरी ही बॉडी किसी मेटल की तरह गर्म होती है, रेड हॉट फ्लैशी मेटल। लेकिन टांगसन उसे जाने कैसे देगा? यदि साओबू ने टांगसन को जला भी दिया तो उसे कसकर पकड़ लेगा। जियलिंग पास के ऊपर के लोगों ने मैरेकल देखा। अनगिनत लोगों की नजरों के सामने साओबू की रेड हॉट बॉडी टांगसन की बॉडी के साथ धीरे धीरे फ्यूज होती है। बिबीडोंग ठीक होने के साथ क्यान रेनुक्स के पास आ जाती है। क्यान रेनुक्स समझ ही नहीं पा रही होती है आखिर वह रेड लाइट कैसे उसके गॉड लेवल के अटैक को रोक सकती है। लेकिन जैसे ही क्यान रेनुक्स ने बिबीडोंग को देखा, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। बिबीडोंग की ईविल ग्रीन स्किन का कलर पूरी तरह से वाइट हो गया होता है और उसकी पूरी बॉडी ही कांप रही होती है। चारों तरफ से उस पर इकट्ठा हो रही डार्क पर्पल कलर की एनर्जी की स्ट्रीम्स बेहद ही भयानक लग रही होती हैं, जिससे क्यान रेनुक्स ने बिबीडोंग के करीब आने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर क्यान रेनुक्स को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। बिबीडोंग का हाथ पकड़ते हुए तुरंत ही पलक झपकते ही कई किलोमीटर दूर हो जाती है, क्योंकि वह यह तो समझ गई होती है कि बिबीडोंग की यह हालत टांगसन और साओबू के आसपास की रेड लाइट के कारण हुई है। जियलिंग पास के नीचे निराश ग्रैंड मास्टर और सभी ने हवा में उस जाइंट ब्लडी वॉर्टेक्स को देखा। सुईवांग ग्रैंड मास्टर से पूछता है वह क्या चल रहा है। ग्रैंड मास्टर भी हैरानी से कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सोल फ्यूजन की तरह है। लेकिन एक गॉड इंसान के साथ कैसे फ्यूज हो सकता है? अब इसे तो अभी टांगसन और साओबू भी नहीं जानते। ग्रैंड मास्टर भी इस भयानक जाइंट ब्लडी वॉर्टेक्स को देखकर डर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है वह किस्मत है या फिर उनका दुर्भाग्य। साओबू धीरे धीरे टांगसन की बॉडी में फ्यूज हो रही होती है। वह भयानक हीट इतनी अधिक होती है कि सी गॉड रेमेंट भी उसे नहीं रोक सकी। लेकिन साओबू की आंखों में टांगसन के करीब होने की खुशी झलक रही होती है। टांगसन साओबू से कहता है, साओबू यह क्या चल रहा है? ऐसा मत करो, क्या तुम मेरे लिए फिर से सेक्रीफाइस कर रही हो? टांगसन उसे रोकना चाह रहा होता है, लेकिन वह खुद भी मूव नहीं कर सकता है। सी गॉड रेमेंट भी धीरे धीरे ढह रहे होते हैं और टुकड़ों में बदलते हुए अंदर ही गायब हो रहे होते हैं। साओबू के पैर और कमर पहले ही हाफ हो चुके होते हैं। साओबू कहती है, नहीं, मैं अब इंसान हूँ, मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हूँ। और आगे टांगसन से कहती है, तुम्हें याद हो तो यह सब वह डेविल स्वॉर्ड के कारण हो सकता है। इससे पहले कि टांगसन कुछ सोचता, साओबू ने अपनी बाहें खोल दी और टांगसन को कवर कर लिया। तभी हाई टेम्परेचर के एक्सप्लोशन के साथ उसकी हॉट बॉडी टांगसन के साथ एक हो जाती है। भयानक दर्द और साओबू के खो जाने के डर से टांगसन दहाड़ते हुए आसमान में तुरंत ही एक किलिंग इंटेंट का विस्फोट करता है, जिससे उसके पास के रेड वॉर्टेक्स को कुचल दिया। साओबू रे में बदलते हुए टांगसन में सूट होती है। इसी समय टांगसन के पास एक किलोमीटर के भीतर सब कुछ रेड हो जाता है। रेड लाइट की रे टांगसन में बह रही होती है, साथ ही उसके चारों ओर ब्लू और रेड लाइट बारी बारी से फ्लैश हो रही होती है।
ठीक इसी समय बीबी डोंग के गले से आवाज निकली, अशूरा। बीबी डोंग इसे एक्सेप्ट करना तो नहीं चाहती कि उसके और क्यान रेनुक्स के सामने रेड लाइट अशूरा की डिवाइन पावर है और यही एकमात्र पावर है जिससे बीबी डोंग को डर लगता है। असुरा और राक्षसा दोनों ने ही स्लॉटर पर रूल किया। असुरा दुनिया के क्लिंग इंटेंट को कंट्रोल करता है तो वहीं राक्षसा मेलवोलेंट को। दोनों ही क्लिंग गॉड हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। साथ ही असुरा डिवाइन एरिया में सबसे पावरफुल 5 गॉड में से एक है। आखिर बीबी डोंग को डर क्यों ना लगे? क्यान रेनुक्स कहती है, किस बात का डर, क्या हुआ, वह असुरा है तो यदि हम मिलकर सी गॉड को मार सकते हैं तो असुरा को भी मार सकते हैं। अब क्यान रेनुक्स को नहीं पता होता है कि असुरा क्या चीज है। तभी बीबी डोंग डर से भागना चाह रही होती है और अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, नहीं यह सिर्फ असुरा नहीं है। क्यान रेनुक्स इससे पहले कुछ और पूछ पाए वह देखते हुए समझ जाती है बीबी डोंग का क्या मतलब है। तांगसेन की आंखें लगातार रेड और ब्लू हो रही होती हैं और क्यान रेनुक्स हैरान होते हुए बोलती है, मुझसे यह ना कहना, एक व्यक्ति को असुरा और सी गॉड दोनों की ही पावर का इनहेरिटेंस मिल सकता है, यह नामुमकिन है। इसी समय तांगसेन अचानक कांप उठता है जैसे कि कुछ उससे उभरने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। धीरे से रेड और ब्लू लाइट अलग हो गई, उसके पीछे जाइंट ब्लू शैडो दिखाई दी जबकि वह खुद ही पूरी तरह से रेड हो जाता है। यह है रेड आर्मर, साफ तौर पर सी गॉड, एंजेलिक गॉड या राक्षसा गॉड के आर्मर से कहीं ज़्यादा बड़ा था। इस पर पैटर्न भी ज़्यादा फ्लैसी होते हैं। हाथ में काफ़ी बड़ा हैमर होता है जिस पर भी मैजिकल पैटर्न फ्लैश हो रहे होते हैं। इससे पहले कि वह मेल्ट हो जाए उसके हाथ में 2 मीटर से अधिक लंबी जाइंट स्वॉर्ड के साथ भयानक क्लिंग इंटेंट का एक्सप्लोशन होता है। तांगसेन का भयानक रूप देखकर क्यान रेनुक्स ने भी दब लिया होता है। क्यान रेनुक्स पर से व्हाइट का भूत उतर गया और ठीक तांगसेन के पीछे शैडो में भी तांगसेन ही होता है। चेहरा सी गॉड रेमेंट के साथ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। क्यान रेनुक्स भी कांपने लगती है और कांपते हुए कहती है, यह इस पर तांगसेन कहता है, यह मेरी और साउबू की परफेक्ट फ्यूजन एबिलिटी ट्विन गॉड को एग्जिस्टेंस है। यह गॉड लेवल का फ्यूजन है जो कि बीबी डोंग के कारण ही हुआ है। जब बीबी डोंग की राक्षसा पावर ने साउबू की बॉडी पर अटैक किया तो साउबू में सोई हुई असुरा पावर जाग जाती है और फिर क्या हुआ आप सभी जानते हो। ऐसे फ्यूजन को होने से गॉड भी नहीं रोक सकते हैं और यही कारण होता है क्यान रेनुक्स के अटैक को बिना कुछ किए ही ब्लॉक कर दिया गया था। ट्विन गॉड को एग्जिस्टेंस इस दुनिया में ही नहीं बल्कि डिवाइन रिलम में भी बेजोड़ है। साउबू के पास कभी इतनी भयानक पावर को होल्ड करने और कंट्रोल करने की क्षमता नहीं थी और स्वॉर्ड के साथ साथ साउबू में तांगचन के ट्रायल भी मर्ज हो जाते हैं। तांगचन के ट्रायल जो तांगचन ने अभी तक असुरा गॉड बनने के लिए दिए होते हैं और जब साउबू में स्वॉर्ड ने एंटर किया तो वह चुपचाप तांगसेन का इंतजार कर रही होती है। हम साउबू को असुरा स्वॉर्ड की म्यान भी कह सकते हैं। तांगसेन जब तक चाहे इस फॉर्म को बनाकर रख सकता है, मतलब इसमें टाइम लिमिट नहीं है और ना ही कोई साइड इफेक्ट। तांगसेन के माथे पर आइसी कोल्ड डिवाइन लाइट के रूप में धुंधली लाइट फ्लैश हो रही होती है। असुरा स्वॉर्ड से आगे की ओर इशारा करते हुए ब्लड रेड डेविल लाइट तुरंत ही फैल जाती है। दोनों ही माँ बेटी भयानक डर से कांप रही होती हैं और खास तौर पर बीबी डोंग तांगसेन के ट्विन गॉड को एग्जिस्टेंस से तो बहुत दूर की बात है। यदि केवल असुरा गॉड ही होता तो भी बीबी डोंग भाग जाती। क्यान रेनुक्स चिल्लाते हुए कहती है, चलो फाइट करें, वह वैसे भी हमें नहीं जाने देगा। भयानक प्रेशर के बीच क्यान रेनुक्स अपनी एंजेलिक स्वॉर्ड में ट्रू सनफायर को एब्जॉर्ब करने लगती है। इस बार क्यान रेनुक्स खुद के एंजल अवतार में ही आ जाती है। गोल्डन रेड लाइट की रे के साथ तांगसेन पर अटैक करती है। क्यान रेनुक्स ने सब कुछ भूलकर सन गॉड का फॉर्मेशन किया होता है और इसी के साथ वह जाइंट गोल्डन रेड एंजल एक फ्लैश में असुरा तांगसेन के सामने पहुंच जाती है। बीबी डोंग भी अपनी प्रेजेंस में आते हुए तुरंत ही क्यान रेनुक्स के साथ हो जाती है। यह दोनों ही तांगसेन के राइट और लेफ्ट साइड से अटैक कर रही होती हैं। तांगसेन शांत होते हुए बोलता है, तुम अभी भी नहीं समझे। असुरा स्वॉर्ड से आगे की ओर इशारा किया, वह अचानक ब्लड रेड हो जाती है और उससे डीपली ब्लडी रे लाइट इरप्टेड होती हैं और क्यान रेनुक्स की स्वॉर्ड से टकराती हैं। फिर क्या, एक ही पल में क्यान रेनुक्स को भयानक झटका लगता है और सन गॉड की गोल्डन रे लाइट तुरंत ही बर्बाद हो जाती है।
और कियान रेनिक्स खुद ही गोल्डन कॉमेट की तरह दूर उड़ जाती है। कियान रेनिक्स के पीक लेवल के अटैक की स्टेट में एक ही एनर्जी से दूर फेंक दिया गया। सोचो असुरा पावर कितनी भयानक होगी। लेकिन उसी समय बिबिडोंग का राक्षसा डेविल साइथ ग्रीन फ्लेम के साथ तांगसन के सिर तक पहुंच रहा होता है, तभी असुरा स्वॉर्ड ने आगे की ओर इशारा करते हुए कुछ मुड़ जाती है। ब्लडी लाइट के बैरियर के फ्लैश होने के साथ बिबिडोंग के अटैक को भी ब्लॉक कर दिया होता है। साथ ही अचानक किलिंग इंटेंट ने साइथ की ग्रीन फ्लेम को तुरंत ही कम कर दिया। इसी के साथ बिबिडोंग की बॉडी रेड लाइट में डूब जाती है। तांगसन यहीं नहीं रुका, बिबिडोंग के साइथ को रोकते हुए कहता है, असुरा ट्राइल डिवाइन रिलम में इन्फोर्सर के रूप में असुरा गॉड के पास गॉड की मेजोरिटी की राइट है, जिससे राक्षसा गॉड भी नहीं बच सकती। रेड लाइट की कुछ 6 रे निकलती हैं। बिबिडोंग ने ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। तभी कियान रेनिक्स आवाज देने के साथ फिर से तांगसन से फाइट करने के लिए आ रही होती है और कियान रेनिक्स किसी कैनन बॉल की तरह तांगसन की ओर सूट होती है। फिर से एंजल स्वॉर्ड पर मुंह से ब्लड डालती है। इस बार वास्तव में ट्रू सनफायर कियान रेनिक्स की बॉडी को भी जला रही होती है। असुरा पावर में भी तांगसन इस तरह के अटैक से खुद को मूव करने से नहीं रोक सका। बिबिडोंग को फेंकने के लिए असुरा स्वॉर्ड घुमाते हुए सी गॉड में स्विच हो जाता है। तांगसन एक साथ दोनों की पावर को यूज नहीं कर सकता है, लेकिन एक एक करके तुरंत ही यूज कर सकता है। और कियान रेनिक्स को सी गॉड का सामना करना पड़ा और ट्राइडेंट से अनफिक्स स्ट्रॉम को लॉन्च कर दिया, लेकिन कियान रेनिक्स ने अपनी सारी ही पावर लगा दी होती है। सी गॉड भी उससे नहीं निपट सकता है। एंजल स्वॉर्ड के कारण गोल्डन ट्राइडेंट में भी लंबे क्रैक दिखाई देने लगे। ट्रू सनफायर से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि यह पिघल जाएगा, लेकिन कियान रेनिक्स ने देखा वह अभी भी शांत है। इस पर कियान रेनिक्स और जोर से चिल्लाती है और जिससे उसकी ट्रू सनफायर और अधिक भड़क उठती है। उससे उसकी सोल और गॉड लेवल की लाइफ फोर्स भी जल गई होती है। इसकी हीट के कारण ट्राइडेंट भी मेल्ट होना शुरू कर देता है। सी गॉड रेमेंट ने भी मेल्ट होने के सिग्नल दिए। एंजल गॉड ने इस पावर को प्रोड्यूस करने के लिए अपनी लाइफ को भी दाव पर लगा दिया। इससे कियान रेनिक्स के माथे पर एंजेलिक गॉड मार्क वाला हेड वेंड जोर से बिखर जाता है। एंजेलिक मार्क भी लाइट में बदल गया। इसमें स्वॉर्ड भी शामिल होती है। अब जीत हो या हार, लेकिन एक बात तो तय है, एंजल गॉड नहीं रहेगी। कियान रेनिक्स ने इस अटैक के लिए और तांगसन को मारने के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया होता है। तांगसन ने भी फील किया, वह पूरे ही सन का सामना कर रहा है। ट्राइडेंट भी पिघला हुआ लग रहा होता है। सी गॉड रेमेंट भी पहले से ही रेड हॉट हो जाती है। इसी समय एट विंग्स से बना हुआ पेयर कियान रेनिक्स की ओर लिपट गया, जो कि कियान रेनिक्स के छूने के साथ ही कुछ झुलस गए होते हैं। सी गॉड रेमेंट का सबसे पावरफुल पार्ट विंग्स पेयर नहीं रहे। एट विंग्स ने कियान रेनिक्स के ट्रू सनफायर को आधे से अधिक आसमान में ले गए। इसी के साथ तांगसन के माथे ट्राइडेंट और आर्मर में लगे जैम फ्लैश होते हैं, जिससे जाइंट गोल्डन मॉल स्ट्रॉम भी फट जाता है। ट्राइडेंट भी अपनी ग्लोरी पर लौट आया होता है और पीक पावर पर होता है। लाखों जिन भारी ट्राइडेंट के आगे कियान रेनिक्स की ट्रू सनफायर का आखिरी हिस्सा भी धुएं में गायब हो गया और कियान रेनिक्स उड़ती हुई गिर जाती है। सी गॉड रेमेंट भी हवा में बिखर जाते हैं। इसी के साथ तांगसन एक बार फिर असुरा गॉड में स्विच हो जाता है। उसी के साथ साथ तांगसन उस भयानक क्लिंग इंटेंट में भी वापस आ जाता है और असुरा स्वॉर्ड से आसमान को भेदते हुए ब्लडी रेमबो में बदलते हुए सीधे ही कियान रेनिक्स की ओर सूट होता है। कियान रेनिक्स अभी भी प्रेजेंस में होती है, लेकिन अब ट्रू सनफायर और एंजेलिक रेमेंट खो देने के बाद वह कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन उस रेड लाइट को बड़ा और बड़ा होते हुए देख रही होती है। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।